मैं जो MLA हैं जेवरगी से, उनसे निवेदन करता हूं आए और वो हमारे इस कर्नाटका पीपल फोरम के स्टेज को शेयर करें। ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसके मंच पे बैठे हुए आपके और हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के AICC के जनरल सेक्रेटरी, सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, CPM के पोलिट ब्रू के लीडर सीताराम येचुरी साहब, स्वामी अग्निवेश जी, और मंच पे बैठे हुए सारे के सारे नेतागण, और यहां पर उपस्थित हुए जो लाखों के हिसाब में आए हुए सारे हमारे भाइयों और बहनों को मैं सलाम कहता हूं, नमस्कार कहता हूं। और यहां पर उपस्थित हुए सारे हमारे जो माध्यम के मित्र हैं, सब लोगों को भी मैं नमस्कार करता हूं। आज इस एक मंच से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी, अमित शाह, इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। हम सागर से भी गहराई में हैं, हम सागर से भी गहराई में हैं, तुम कितने कंकर फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे हम, चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे हम। तुम हमें कब तक रोकोगे, तुम हमें कब तक रोकोगे, तुम हमें कब तक रोकोगे। आज आप लोगों को, हम सब लोगों को सोचना है कि उस CAA किस लिए लेके आए, NRC किस लिए लेके आए। हमारी देश की जो परिस्थिति है, जो इकोनॉमी है, वो आज के दिन 4.5 है GDP हमारी देश की, वही नेपाल की 5 है, पाकिस्तान की 7.8 है, बांग्लादेश की 8.1 है। किस तरफ हमारा इकोनॉमी जा रहा है, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप 2014 में, मोदी जी, आप अधिकार में आए, क्या बोल के अधिकार में आए, आपने बोला, आपने बताया कि हर साल हम हमारे भारत देश के युवाओं को 2 करोड़ जॉब देंगे, हर साल 2 करोड़ उद्योग देंगे, 2 करोड़ काम देंगे, तरक्की देंगे। 6 साल में आप कम से कम 12 करोड़ उद्योग और काम देना था, मगर आज अगर हम हिसाब निकाल के अगर देखेंगे, पिछले 40 साल में सबसे कम जॉब जो मिला है ये पिछले 6 सालों में मिला है। तो इसलिए आप लोग, ये जो हमारे देश की अवाम का जो ध्यान है NRC और CAA के तरफ आप कर रहे हो, मगर अब हर पूरे देश में सब लोगों को मालूम हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो जलसा हुआ है, ये जो लोग यहां पर जमे हुए हैं, स्वइच्छा से आए हैं। मेरे ख्याल से पहली बार गुलबर्गा में इतने लोग एक मैदान में जमे हुए हैं।
मैं ये कहना चाहता हूं आप लोग सब मिलके, क्योंकि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मोदी जी की और अमित शाह की। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस दिल में नहीं तो उस दिल में सही, इस दिल में नहीं तो उस दिल में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आप लोग हमको आज बोल रहे हो, आप जो हमारा जो संविधान, हम आने के बाद हम संविधान बदल लेंगे बोल के बोल रहे हो आप, या अगले अगर 50 साल भी आप रहेंगे तो किसी भी हालत में संविधान को आप छू नहीं सकते। अगर आप संविधान को छूओगे तो आप जल जाओगे। आप हम लोगों को पूछ रहे हो कि आप कहां से हो, आप कहां से हो, आप कहां पैदा हो गए हो, आप क्या कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं तू चल, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं के ले परीक्षा तेरी, के ले परीक्षा तेरी। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, अभी काफी सारे नेतागण बात करने वाले हैं, इसीलिए मैं मेरे दो लफ्ज कहते हुए मेरा बात खत्म करता हूं। जय हिंद।